आज का जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, हरकात जो निकल पड़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि तीन तो हरकात ये हैं, जबर, जेर और पेश। यानी जबर को की जो पढ़ने की अदायगी की डायरेक्शन है वो है ऊपर को, जेर नीचे को और पेश आगे को। ठीक है, तो जब किसी हरफ को पढ़ना है आपने, तो उस वक्त मैंने बोला था कि झटके के साथ पढ़ना है। यानी आपने पढ़ाना है ना जब किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को, उस वक्त आपने उसको झटके का इसलिए बोलना है ताकि उसकी अदायगी में बिल्कुल भी लंबाई ना हो सके। यानी हरफ के ऊपर जब जबर लगता है या जेर लगता है या पेश लगता है, तो उमूमन देखने में यह आया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो अगर आप किसी हरफ को थोड़ा सा भी लंबा करते हैं, यानी या जबर या है तो उसको या जबर या इतना लंबा कर दिया, तो उसका मान ही बदल गया। मैंने कल आपको मिसाल दी थी जैसे लघु लघु फजलिन फजलिन लघु फजलिन। अब यहां पर नाम को लंबा नहीं करना, इसका मतलब यह है कि फजल वाला। ठीक है, अब यहां पर नाम जो है इसका मानिए ताकि के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी यकीनन फजल वाला। ठीक है, अगर मैं इस नाम को थोड़ा सा लंबा कर दूंगा तो ये बन जाएगा लादुफजलिन, यानी कि कोई भी गलत नहीं उसकी, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट मतलब बन जाता है। तो हमने इसलिए इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि जबर जेर पेश जहां पर आए उसको बिल्कुल भी लंबा करना है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब अगली जो बात है, कुछ अलामतें और हैं जिसको हमने सीखा था कि उन इनकी तो आपने लंबाई बिल्कुल नहीं करनी। फिर इसके बाद जो दूसरी अलामत आती है, खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, इनको इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, यानी थोड़ा सा लंबा करना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी हरफ के ऊपर खड़ा जबर आता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? बा खड़ी जबर, बा बा खड़ी जेर, बा उल्टा पेश, बू बा बी बू। इसकी निस्बत अगर हम ऐसे करते हैं, बाजबर, बा बाजे, बापेश, बो वो नहीं वो। तो झटका का इसीलिए मैंने बोला था ताकि यहाँ पर आवाज रुक जाए। जब आप उसको कंट्रोल्ड वॉइस में नहीं पढ़ेंगे तो उसकी लंबाई होनी ही होनी, इसलिए बा बा बी बू। और इसको अगर इसके साथ कर पढ़ते हैं तो बा बी बू, थोड़ा थोड़ा लंबा कर देना। ठीक है, यहां तक समझ आ गई थी। अच्छा, इसके बाद अलामतों की जहां तक बात आती है, तो एक अलामत जो है और तरह की होती है, दो जबर, दो जेर और दो पेश। ठीक है, इसको कहते हैं तनवीन। तनवीन, तनवीन का मानी मैंने आपको कल बताया था। तनवीन किसे कहते हैं? यानी ये अलामत किसी हरफ के ऊपर जब आएगी तो उसकी अदायगी के आखिर में नून की आवाज आएगी, नून का साउंड आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बा दो जबर वन, तो फिर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये गलत तो नहीं, पढ़ने में तो ऐसे लिखना साउंड से लिख रहा है वन वन। अगर मैं लिखूँ बा दो जेर, ये अगर मैं ऐसे लिख दूं तो पढ़ने में सेम है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं करता हूं इसको ऐसे बा दो पेश बुन, तो पढ़ने में ऐसे ठीक है, ठीक है ना। यानी इनकी अदायगी करते हुए जो इनकी आवाज आती है उनके आखिर में नून का साउंड आता है, नून की आवाज आती है। ठीक है, तो जब किसी हरफ के ऊपर दो जबर, दो जेर, दो पेश की हरकत आएगी, अलामत आएगी, उनको पढ़ते हुए आपने आखिर नून पढ़नी, बन बिन बुन, यन यिन यून, तन तिन तुन, इस तरह सारे अल्फाज वन बिन बुन। समझ आ गई? इनको कहते हैं तनवीन, खड़ी जबर, खड़ी जबर, उल्टा पेश, इनको दो अलिफ के बराबर लंबा करना, इनको लंबा नहीं करना, ना इसको लंबा करना ना इसको लंबा। अभी तक जो लंबा करने वाली अलामत है उसे हमारे पास ये है, खड़ी बार, खड़ी देर और उल्टा पेश। यहां तक समझ आ गई? किसी का कोई सवाल है तो आप जल्दी कर सकते हैं, फिर एक बार इंशाल्लाह आगे।
इसके बाद एक चौथी अलामत ये होती है, सुकून। ठीक है, सुकून ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। देखा होगा आपने कुराने मजीद के मुख्तलिफ नुस्खों में, अक्सर नुस्खों में पाकिस्तानी जो नुस्खे हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो अरबों के नुस्खे हैं उनमें ऐसे लिखा होता है आमतौर पर, लेकिन एक और भी है जी, ऐसे भी लिखा होता है जी वाला जी जी ये वही हाँ जी हाँ, जज्ब भी कहते हैं इसको, फोन भी कहते हैं। ठीक है, ये इन तीनों शक्लों में लिखा जाता है कुरान मजीद के नुस्खों में, या तो ऐसे देखेंगे आप या ऐसे या ऐसे, ये तीनों तरह ठीक है। ठीक है, अब इसकी चार किस्में हैं, तो पूरी चार किस्में कौन कौन सी हैं वो भी मैं चला बताता हूँ। इसके साथ एक और अलामत है, वो है इसको क्या कहते हैं जी, शद। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह कि ये क्या है असल में, ये क्यों लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया जी आपने, गौहर फार्मूला बेटा आपको याद है। जी सर, आ गई समझ। डॉक्टर तबस्सुम आपको भी समझ आ रही है? जी, ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है? इसकी जो चार किस्में हैं उनको पढ़ने से पहले हम शब्द को पढ़ लेते हैं। ठीक है, शब्द क्या है असल में? अच्छा, पहली बात ये समझ ले कि जिस हरफ के ऊपर ये अलामत आएगी शब्द की, उसको आपने जमाओं के साथ ठहराओं के साथ पढ़ना है, जैसे मिसाल के तौर पर ये है मद्दा। आज हम इंशाल्लाह जोड़ करने भी सीखेंगे, ठीक है, हिजे करने भी सीखेंगे इंशाल्लाह। मीम दाल जबर मत दाल जबर दा मत। अच्छा, यहाँ पर दाल के ऊपर शत है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जमाव डालू, उसको रोक रहा हूँ, राइट। असल में ये क्या था, असल में ये था मीम के ऊपर जबर है, उसके बाद है दाल, उसके ऊपर सुकून है, और आखिर में एक और दाल है जिसके ऊपर जबर है। असल में ये था मद दा, तो लिखने में इसको ऐसे लिख सकते हैं मद दा, असल में ये था। जिस हरफ के ऊपर शब्द हो तो ये समझ रहे कि वो एक तरह से दो, अरबों ने क्या किया हमारी सहूलत के लिए, उनको अपनी सहूलत के लिए भी और हमारी सहूलत के लिए भी, जो एक जैसे दो होते उनको मिक्स करना है एक दूसरे के साथ शामिल करना, उनको जब शामिल किया मिला के तो उनके ऊपर ये अलामत लगाई ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहां पर दो हरफों के मुताबिक टाइम देना है हम, यहां पढ़ते थे मद दा, लेकिन जब इसको जमा करेंगे तो पढ़ेंगे मद दा। कि पहला इसमें दो दाल है, उनमें से पहला साकिन है, दूसरा मुतहर्रिक, दूसरे के ऊपर जबर है, जबर हो सकता है, जेर हो सकती है, पेश कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो आपने इसको पढ़ना है थोड़ा जमाओं के साथ और ठहराओ के साथ मद्दा। इसी तरह मैं और मिसाल में कहते हैं, जैसे अब आपने बताना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये है नलसरा नलसरा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डॉक्टर तबस्सुम आप बताएं जी, असल में इनके हरूफ कौन कौन से थे? पहला आएगा नून, नून जबर, फिर नून जबर, जा उसके बाद जजम, वाह जजम, और और फिर जाल जबर यानी, और वाह जजम, फिर रा और जबर, रा के ऊपर जबर। ठीक है, असल में था नजरा। तो इन दोनों को हमने जमा कर दिया और इसके ऊपर लगा दी शद, तो ये बन गया नजरा। ठीक है, तो ये आपका शद का जो मामला है ना, मैं आपको समझ आ रहा हूँ, शद असल में उस हरफ के ऊपर लगता है जहां पर आप तीन जैसे रूप को जमा करते हैं, उसको आपने दो रूप जितना टाइम भी देना है। ठीक है, उसको ऐसे नजारा नहीं बोलना, उसको नजारा नजारा कदारा। ठीक है, बरकरारा, इस तरह आपने उसको जमाओं के साथ ठहराव के साथ पढ़ लिया, समझ आ गई जी?
ठीक प्रिया बेटा आपको भी समझ आ गई है? पूछिए जी भाई। आप। ओके अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सुकून, मैंने बताया है कि सुकून की चार किस्में, ठीक है, यहां तक मैं इसको खत्म कर दूं। ठीक है, ये तीन तीन तीनों तरह से सुकून ही है, इसको जरा भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई हर्ज नहीं है, आप कुछ भी कर सकते। पहली जो चीज है वो है रूपे कल्पना। पहली किस्म है रूपे कल्पना। रूपे कल्पना कौन से हैं? इनका मजमुआ होता है फोटो बुक जब दिन। इनको याद करने के लिए, इनका इनको रूप को जमा करने के लिए लफ्ज बना दिए कहते हैं। असल में ये है कॉफ कॉल बार जीन और दाल। फोटो बुक जब दिन, ठीक है, ये पांचों रूप है। इनको हिला कर पढ़ते हैं। भाई दाल के ऊपर शब्द है तो दो दाल नहीं आएंगे? बेटा वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए लिखा है, जबरदस्त याद करने के लिए लिखा है। आप जी ठीक। अच्छा लिखते ये लिखे, वो कोई लफ्ज नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए, ताकि आप रूप को याद कर ले, उनका उनको जमा करके लफ्ज बनाया। तो वो जल्दी असल में जीवन दान ये है। इनको हिलाकर पढ़ते हैं। जब ये हरूफ आएंगे इनमें से किसी अरब के ऊपर, जब सुकून आएगा, ये जन्म आएगा, उसको हिला के पढ़ें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में आता है एक कोरा। अब यहां पर काफ जो है रूपे कल्पना से, इसको मैं इकरा नहीं बोल सकता, बोल रहा इसको मैं बोलना है एक और। ठीक है, अच्छा एक और मिसाल ले लेते हैं। अब इस हरफ के, इस लफ्ज के अंदर मुझे बताएं रुपए हरफे कल्पना कौन सा है? बहुत कल्पना कौन सा है जी? बा बा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? फरगब फरगब। इसको फरगब रोकना नहीं है, इसको हिलाना है आपने। जब जब इन हरूफ के ऊपर सुकून आएगा तो उसको आपने हिला के पढ़ना है। फरगब इकरा, ठीक है, इकरा। इसके बाद पा है अतला, ठीक है, जीन है अजरा, ठीक है, अदखला। इस तरह से इन हरूफ के ऊपर जब सुकून आएगा तो उसको हिला के पढ़ना, एक किस्म हो गई ये। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब इसके बाद दूसरी किस्म, हुरूफे मद्दा है तीन, अलिफ वाओ और या। हुरूफे मद्दा तीन, अलिफ वाओ और या। जब अलिफ वाओ और या के ऊपर सुकून आएगा, अलिफ वाओ या के ऊपर जब सुकून आएगा तो इन हरूफ को खींच कर पढ़ना। ठीक है जी, जैसे इनकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बा अलिफ जबर, बा बाव पेश, भू बा याजे बी। इनको थोड़ा थोड़ा लंबा खींच के पढ़ा हूँ। अलिफ साकिन। अच्छा एक और चीज ये जहन में रखें कि अलिफ जब साकिन होता है तो उसके ऊपर कोई अलामत नहीं,
जब अली के ऊपर सुकून आएगा, जबर जेर पेश, खड़ी खबर खड़ी से उल्टा पेश, दो खबर दो से दो पे कोई लामत आएगी, फिर वो अली नहीं रहेगा, फिर हाँ फिर वो हमजा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बाकायदा तौर पर फिर वो हरफ पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इस अली के ऊपर मैं जबर लगाता हूं तो फिर ये पढ़ा जाएगा बा, फिर ये बा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अलिफ की शनाख्त, अलिफ और हमजा के अंदर फर्क ये है, एक तो हमजा होता है ना ऐसे लिखा है, ठीक है, एक हमजा ये तब बन जाता है जब इसके ऊपर कोई हरकत है, ये भी हमजा है। सिंपल ये है कि जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो तो वो अलिफ है, अगर कोई हरकत है तो फिर वो हमजा है। बस कुरान मजीद में जहां पर भी अलीफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है वो अलीफ है, जहां पर हरकत है तो वो अलीफ नहीं है, वो हमजा है। ठीक है जी, जैसे एक कौरा, एक कौरा के शुरू में अलीफ नहीं है, ठीक है, शुरू में क्या है हमजा है। इसी तरह अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे ये बताएं शुरू वाला अलिफ है या आखिरी अलिफ है? आखिरी अलिफ है, क्यों आखिरी अलिफ जी? हरकत नहीं है इसलिए आखिरी अलिफ है, हाँ आखिरी अलिफ है, और शुरू वाला क्या है हमजा। समझ गए? तो जब किसी अलिफ के ऊपर हरकत नहीं होगी तो फिर वो अलिफ है, समझ गए? अच्छा अब ये है, यहाँ यहाँ पर आते हैं बा अलिफ जबर बाश बाजे क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बा खड़े जबर बा बा उल्टा पेश बा खड़ी दे बी बा बा बू बू बी टी एक ऐसे ही है ना पढ़ने में, सिर्फ लिखने में फर्क। तो इस तरह क्या पता चला कि खड़ी जबर खड़ी जबर उल्टा पेश और हुरूफे मद्दा इनको आपने दो अलिफ के बराबर लंबा करना है, दो अलिफ के बराबर खेंचे, यानी थोड़ा सा खेंच के पढ़ना है बा बा बू। सर दो अलिफ का एक अलिफ, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर सर पढ़ना है ना, दो अलिफ के बराबर तो नहीं पढ़ना। अच्छा चले एक अलिफ, कुछ कुर्रा कहते हैं एक अलिफ के बराबर, कुछ कहते हैं दो अलिफ के बराबर, लेकिन बहरहाल उसका कंक्लूजन ये है कि आपने इसको जबर जेर पेश से लंबा करना, ठीक है, आप एक अलिफ भी लंबा कर सकते हैं, दो अलिफ भी लंबा करने से मद नहीं होती, मद उसके बाद शुरू होती है, आप एक अलिफ का असर करना चाहते हैं आप एक अलिफ कर, ठीक है, बा इनको एक इनको एक अलिफ का एक अलिफ इतना लंबा कर, ठीक है, लेकिन जहां सिंगल जबर जेर पेश होगी उसको कितना लंबा करना है उसको नहीं करना हमने। अब आपने सुकून की दो किस्में पढ़ ली है, हरूफ कलकला जब उसके ऊपर सुकून आएगा तो वो भी सुकून है लेकिन उसको हिला कर पढ़ना, जब हरफ मद्दा के ऊपर सुकून आएगा तो उसको वो भी सुकून है लेकिन उसको थोड़ा खींच कर पढ़ना है, दो किस्में हो गई। अब तीसरी किस्म है, इसको मैं खत्म करूं, तीसरी किस्म है हरूफ-ए-लीन, ठीक है, इसको पढ़ना है नरमी से, नरमी से पढ़ना है, ठीक है, हरूफ-ए-लीन कौन से हैं, हरूफ लीन दो ही, कौन कौन से थी, वाओ और या, वाओ और या, इसमें अलिफ नहीं आता, जो अलिफ आना अलिफ और या, इसमें अलिफ नहीं आता तो आपको वाओ या हरूफ लीन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलिफ वाओ या मद्दा तब होंगे जब अलिफ साकिन और उससे पहले होगा जबर, वाओ साकिन उससे पहले होगा पेश, या साकिन उससे उससे पहले होगा ज़ेर, ठीक है,
उससे पीछे पेश है, या साकिन उससे पीछे जेर है, तब वो उनके मुद्दा कहलाएंगे, वरना वो उनके मुद्दा नहीं कहलाएंगे। पीछे पीछे जैसे ये देखिए आपकी मिसाल पड़ी बा अलिफ जबर, ये अलिफ साकिन इसके पीछे इसके बाद बा बा वाओ पेश वो वाओ साकिन है उससे पीछे पेश है, या साकिन है उससे पीछे बा के ऊपर और नीचे जेर है। अब ये मतलब है अगर इनके मुताबिक हरकत नहीं होगी, यानी अलिफ से पहले जबर नहीं होगी कोई और हरकत है, तो फिर वो मद्दा नहीं, वाओ से पहले पेश नहीं है तो फिर वो वाओ मद्दा नहीं, या से पहले जेर नहीं है तो फिर वो बा या भी मद्दा नहीं है। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा है हुरूफ़े लीन, हुरूफ़े लीन जो होते हैं दो है वाओ या, ये तब लीन होते हैं जब इनसे पहले दोनों साकिन हो और इनसे पहले जबर हो, जैसे मिसाल के तौर पे बा बाओ जबर बाऊ, बा या जबर बई बाऊ बई, इनको साइड को पढ़ना, ठीक है साइड को, इनको नरमी के साथ पढ़ेंगे साइड को। जब बाओ साकिन उससे पहले पेश हो तो वो वाओ मद्दा ये लीन है, वाओ साकिन उससे पहले पेश हो तो वाओ मद्दा ये लीन है, मद्दा अगर उससे पहले जबर है तो लीन। समझ आ रही है? अगर या साकिन हो उससे पहले जेर हो तो वो या मद्दा है या लीन है, लीन मद्दा मद्दा जेर है ना, इसके लिए बात कर रहा हूं। या साकिन उससे पहले जेर है तो क्या है जी, या ली वो मद्दा है। अच्छा चले मैं मिसाल देता हूँ, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे मिसाल जो होते हैं जिसमें मीन और मद्दा दोनों है, ठीक है, जैसे अब इसमें दो यार है, अब मुझे ये बताना है ईश्वर आप बेटा अनवीन करें प्लीज, नफ्स है कई दी, इसमें बताएं या लीन कौन सा है, काफ जबर या कई, काफ जबर या कई ये लीन है, और इसमें मद्दा कौन सा है, मद्दा दूसरे वाला दाल जेर या दी, दाल जेर या दी ये मद्दा है, समझ आ गई ना यहाँ तक। तो ये हैं तीन किस्में आपकी चौथी किस्म, इसमें ये होती है कि इसमें कलकला भी ना हो मद्दा भी ना हो लीन भी ना हो, किसी भी हरफ के ऊपर जब सुकून आता है तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं वन हब, अब इन हुरूफ में हुरूफ तगड़ा है नहीं, हुरूफ मद्दा है अलीफ है ना, हाँ जी डॉक्टर नहीं तो बताओ आप बताए अलीफ मद्दा है नहीं कि नहीं, यहाँ आठ में नहीं नहीं आता तो मदली और मदली पढ़ने में नहीं आएगा अब, क्योंकि आगे साकिन हर्फ है ना, इसलिए फिर पढ़ने में नहीं आएगा हाँ, ये। असल में आगे साकिन आ रहा है, और साकिन जब आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसको पीछे हरकत वाले हर्फ के साथ मिलाना है, उसके दरमियान में एक उसूल याद रखें, कुरान मजीद में आप कोई भी लफ्ज पढ़ें जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है सिवाय अलिफ मद्दा के, सिवाय अलिफ मद्दा के जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है उसको आपने नहीं पढ़ना, चाहे वो अलिफ है चाहे वो या है चाहे कुछ भी है, उसको नहीं पढ़ना क्योंकि उसकी अपनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, नून साकिन है और वो चाहता है कि उसको किसी हरकत वाले हरफ के साथ मिलाया जाए जो कि कौन सा है वाह, तो फिर डायरेक्टली नून के साथ मिलाना है, अलिफ की वैल्यू खत्म, अलिफ नहीं पढ़ना,
अलिफ मद्दा नहीं हो सकता, तो फिर पढ़ेंगे वन अफ। अब यहाँ पर हरफे कलकला कोई नहीं है, आफ आबा जीम दाल में से कोई नहीं है, हरूफ मद्दा कोई नहीं है, हरूफ लील भी कोई नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपने ना तो फिर से पढ़ना वन। अब वन को वन तो नहीं ना बोला, हिलाया तो नहीं, या फिर वन ऐसा तो नहीं किया, इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ना है। अब अपनी आवाज को कंट्रोल करके वन हाउ वन हाउ, ठीक है। ये चौथी किस्म है यानी सुकून की, जहां पर कलकला ना हो, मद्दा ना हो और लीन ना हो, ठीक है। सर इसी को दोबारा रिपीट कर दें कि आपने अलिफ की जो कहा ना वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको जरा एक्सप्लेन कर दें सर। लेकिन ये तो नून साकिन का कायदा है ना, अगर इस पे नून के ऊपर साकिन आ गया है तो ये तो नून साकिन का कायदा हो गया ना, और आगे हरूफ हल्की में से हरूफ हर्फ है। अच्छा यहाँ पर वा साकिन तो है ना, नून साकिन का जो कायदा है ना, नून साकिन के रूल्स जो है वो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में इंशाल्लाह उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सुकून को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सुकून कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। अब वन हर रा जो है यहाँ पर आप जिसके ऊपर सुकून है ना, तो रा पर भी है नून पर भी है, वो एक अलग इशू है कि नून को कैसे पढ़ना है, गुना करना है नहीं करना, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं सुकून को कैसे पढ़ना है। जहां हरफे कलकला हरफे मद्दा हरफे लीन नहीं है, वहां पर आपने आवाज को रोक लेना है, ठहर के पढ़ना है वन हर। अगर मैं इसकी जगह कोई और लफ्ज लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी जी नहीं जी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं और हम और हम, अब यहां पर रा के ऊपर भी सुकून है, नी पर भी सुकून है, ठीक है। तो इसको मैं ना तो हिलाऊंगा, ना मैं इसको खींच कर लंबा करके पढ़ रहा हूं, ना मैं इसको नरमी से पढ़ रहा हूं नींद की तरह, तो हम फिलहाल सुकून को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह सुकून को पढ़ना है ठहराव के साथ। अब जो बहन का सवाल था कि अलिफ जो है उसके बारे में बारह दोबारा बता दें, तो ये जान ले अरबी के अंदर जब भी किसी हरफ के ऊपर कोई हरकत ना हो, चाहे वो अलिफ है, चाहे वो वाओ है, चाहे वो कुछ भी है, जिसके ऊपर हरकत नहीं है अलिफ मद्दा के अलावा, उसको आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी, वक्त तारीब, ठीक है, वन नाजियाती, इसमें अलिफ भी है इसमें लाम भी है, मैं लिखकर बता देता हूँ। इस वक्त तो ये अलिफ मद्दा है ना, हाँ तो सही, वाह और आगे अलिफ मद्दा था लेकिन उसके बाद नून साकिन आ रहा था ना, वजह ये हो गई, वरना तो वो वाओ जबर अलिफ वा तो था ना। देखिए बेटा समझे, अलिफ मद्दा जब आप पढ़ेंगे ना किसी लफ्ज के अंदर तो उसका मानी होगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि जो लफ्ज है अभी मैंने लिखा वन हाफ, आप कह रहे हैं कि अलिफ मद्दा है, जब वैसे देखें तो अलिफ हमने पढ़ा ना अलिफ से पहले जबर, तो अलिफ से पहले जबर होती है तो हम उसको जाहिर खींचते हैं, मत देते हैं, रूल के मुताबिक ही अलिफ मद्दा बनता है, ऐसे ही है ना जी, ये कह रही हूँ। नहीं नहीं अलिफ के ऊपर जज्म होता भी नहीं, अलिफ मद्दा के ऊपर जज्म नहीं, उसूल जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ये अलिफ मद्दा बनता है, लेकिन ये याद रखे कि अलिफ मद्दा जहां पर होगा वो एक बाकायदा लफ्ज होगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ ये अलिफ मद्दा नहीं है, अगर मैं इसको अलिफ मद्दा समझू तो फिर ये ऐसे भी इसका को माने होना चाहिए, ऐसे इसका कोई मानी होना चाहिए। जैसे अब मैं मिसाल आपको देता हूँ,